नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबके हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज सोमवार 4 दिसंबर को वोटों की गिनती जारी है। बता दें कि मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से एक सीट सामान्य वर्ग और 39 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब बात करें राजनीतिक दलों की, तो एमएनएफ, ZPM और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने 23 और आम आदमी पार्टी ने 27 निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बात करें रुझानों की, तो NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ZPM को 27 सीटों से बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं MNF दूसरे नंबर यानी 9 सीटों पर है, तो बीजेपी तीसरे नंबर के साथ 3 सीटों पर चल रही है और कांग्रेस को एक सीट मिलती दिख रही है। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों के नतीजे कल रविवार 3 दिसंबर को घोषित किए जा चुके हैं। जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को केवल एक राज्य तेलंगाना में जीत मिली। और इसी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अब केवल 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में सिमट कर रह गई है। माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव का असर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 66, वहीं एक सीट अन्य के खाते में गई। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां के 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 54 पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं और एक सीट अन्य के खाते में गई। इसके अलावा राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 115 पर जीत मिली है, कांग्रेस को 69 सीटें मिली और 15 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। अब बात करें तेलंगाना की, तो यहां की 119 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 64 पर जीत दर्ज की, BRS को 39 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 8 और अन्य के खाते में भी 8 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली हार को लेकर अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में आपस में ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन के कई घटक दल कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर नाखुश हैं। इसी कड़ी में शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा होता तो मध्य प्रदेश का नतीजा अलग होता। कांग्रेस को सहयोगियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए। बता दें कि संजय राउत उस बात का जिक्र कर रहे थे जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने का विरोध किया था। इसके अलावा पार्टी के एक अन्य नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे बचा जाना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस से घटक दलों के प्रति उदार नजरिया अपनाने को भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए कि भाजपा से सीधे मुकाबले में उससे कहां कमी रह गई। 3 राज्यों में मिली हार को लेकर विपक्षी गठबंधन के कई घटक दलों ने कांग्रेस की आलोचना भी की और साथ ही कहा कि ये हार कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं। JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सोच लिया कि वह जीत चुकी है और उसे हराया नहीं जा सकता, यही सोच उसके पतन का कारण बना। वहीं TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 3 राज्यों के नतीजे भाजपा की जीत से ज्यादा कांग्रेस की विफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाया जाना चाहिए। घोष ने कहा कि TMC ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को पराजित कर सकती है। इसके अलावा RJD प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि भाजपा की आत्मकेंद्रित राजनीति का मुकाबला करने के लिए सामूहिकता जरूरी थी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने स्वीकार किया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। उसे यह महसूस करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के अहंकार का मुकाबला अहंकार से नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली हार पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि संतर को मिटाया जा सकता है कि आंकड़े वापसी के लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं। जयराम रमेश ने आगे आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में BJP 46.3% और कांग्रेस 42.2%
मध्य प्रदेश में बीजेपी 48.6% और कांग्रेस 40.4%, वहीं राजस्थान में बीजेपी 41.7% और कांग्रेस 39.5% पर रही। इसके अलावा पार्टी महासचिव ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन न केवल पार्टी के लिए बल्कि राज्य के लोगों के लिए भी आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पूरी तरह से कांग्रेस के कारण भारतीय संघ का 29वां राज्य बन गया, लेकिन जिन उद्देश्यों के कारण इसका निर्माण हुआ वे पिछले 9 वर्षों में खो गए हैं, लेकिन जल्द ही बनने वाली कांग्रेस सरकार राज्य को एक नई दिशा देगी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बता दें कि इस सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी जिनमें कई अहम मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। हालांकि इस दौरान सदन में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। दरअसल जहां विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अडानी मामला जांच एजेंसी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरेगा, तो वहीं केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा सदन में कई अहम बिल पेश करने के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन वाली रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइचू ने कल रविवार को घोषणा की कि भारत उनके देश से अपनी सेना हटाने के लिए सहमत हो गया है। वहीं इसके कुछ घंटों बाद नई दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर दुबई में संक्षिप्त चर्चा हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारतीय हेलीकॉप्टरों और परिचालन विमानों को कैसे रखा जाए इस पर चर्चा जारी थी। सूत्रों ने कहा कि कोर ग्रुप जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं इस बात पर गौर करेगा कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति का यह बयान यूएई शिखर सम्मेलन के बाद आया है, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में संक्षिप्त चर्चा हुई थी। गौरतलब है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइचू सरकार बनने के बाद से कई बार यह मुद्दा उठा चुके हैं और इतना ही नहीं, अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का मुद्दा उठाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ मालदीव के संबंधों और चीन की तरफ बढ़ते मालदीव के झुकाव को इसका कारण माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मिचौंग और ज्यादा खतरनाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके मंगलवार को पूर्वाग्रह में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकराने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा के लिए चेतावनी जारी की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर समुद्र तटों से होकर गुजरने वाली 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे संबंधित ट्रेनों की उपलब्धता की जांच करने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने आज सोमवार को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसराइल हमास में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सेना ने दक्षिणी गजा में अपना जमीनी आक्रमण बढ़ा दिया है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इसराइली हमलों में बीते दिन 700 से अधिक लोग मारे गए। ऐसे में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने गजा पर लगातार बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध का विस्तार होगा। बता दें कि इस बीच यमन के हूतियों ने लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर दागे गए 500 रॉकेट के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गजा पट्टी में ईंधन, बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के साथ साथ वहां विनाशकारी आक्रमण किया, जिसमें अब तक 15,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हमास द्वारा किए गए हमलों में 1200 इसराइली मारे गए थे और हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था, जिनके बदले में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ था। हालांकि अभी तक सारे बंधक रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।